बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सिलावट ने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार होंगे, फिर एक बार मोदी सरकार और प्रदेश में सभी 29 सीट पर बीजेपी जीत रही है। डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का संकल्प ही चुनावी मुद्दा है। आज मैं अपने समाज के सम्मेलन में शामिल हुआ हूं। बीजेपी ने हमारे समाज को 35 टिकट दिए थे, जिसमें से 28 विधायक हैं और मैं मंत्री हूं। अनुसूचित जाति सम्मेलन में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी उम्मीदवार गजन सिंह पटेल को जिताने की अपील की। मंच पर लोकसभा चुनाव संयोजक विधायक बालकृष्ण पाटीदार और बीजेपी उम्मीदवार गजन सिंह पटेल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री और गजेंद्र सिंह पटेल को सांसद बनाने का संकल्प लिया गया। ये आज समाज के लोग खड़े हो जाओ जरा। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जैसे कि वो डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतदान प्रतिशत शादियाँ माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का संकल्प समाज का समग्र विकास हो। इसीलिए मैं अपने समाज में आज आया हूँ, क्योंकि इस समाज को भी कम से कम 35 टिकट दिए थे, 28 विधायक, एक मंत्री आपके सामने, इसी समाज का खड़ा है। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।